और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां पर देखिए कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता के लापता होने का ये पूरा मामला है। जिम ट्रेनर ने हत्या कर शव को जमीन में दफनाया था। 4 महीने बाद जिम ट्रेनर ने किडनैपिंग हत्या की बात कबूली है। वहीं जिम ट्रेनर विमल सोनी पर किडनैपिंग की FIR भी दर्ज हुई है। 24 जून को जिम करने गई और वापस नहीं लौटी थी। एकता की हत्या कर शव डीएम आवास के पास दफनाया गया था। डीएम आवास के पास जमीन में शव दफनाने की बात जिम ट्रेनर ने कबूली है। काजरा की आरोपी जिम ट्रेनर के बयान पर लाश की तलाश जारी है। अब तो कानपुर के डीएम आवास के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर देखिए कानपुर से सामने आ रही, जहां पर एकता की हत्या का ये पूरा मामला है। काजरा की डीएम आवास के पास से जमीन में शव दफनाने की बात जिम ट्रेनर ने कबूली है और उस पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो कानपुर के डीएम आवास के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वही देखिए ये बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता के लापता होने का मामला है। कहा जा रहा है कि किडनैपिंग और हत्या की बात जिम ट्रेनर ने कबूल ली है और देखिए FIR भी दर्ज हो गई है। तो 24 जून को जिम करने गई थी और वापस नहीं लौटी थी। एकता की हत्या का शव डीएम आवास के पास दफनाया गया था। वहीं डीएम आवास के पास जमीन में दफनाने की बात जिम ट्रेनर ने कबूल कर ली है। तो ये बड़ी खबर देखिए कानपुर से है, जहां पर अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी जिम ट्रेनर के बयान पर लाश की तलाश जारी है। कानपुर के डीएम आवास के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जिम करने गई, जिसके बाद से वो वापस नहीं लौटी। वहीं जिम ट्रेनर ने इस बात को कबूल कर लिया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर कानपुर से देखिए सामने आ रही है, कारोबारी की पत्नी की हत्या का ये पूरा मामला है और जिम ट्रेनर ने हत्या की है, उसने ये बात कबूल ली है, जो इसके बाद से अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता के लापता होने का ये पूरा मामला है। ये देखिए घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ बात विवाद हुआ। जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको। तो देखिए डीएम आवास की सिक्योरिटी में चूक कैसे हुई, भारत समाचार के कुछ सवाल हैं। लाश गड्ढा खोदकर दफनाई गई, किसी को पता कैसे नहीं चला और वो भी डीएम आवास के पास, क्या ये सिर्फ अकेले का काम है? ये भारत समाचार के कुछ सवाल हैं। ये बड़ी खबर कानपुर से देखिए है, 4 महीने से क्या कर रही थी पुलिस, तो पीड़ित के शिकायत पर देरी से एक्शन क्यों लिया गया? ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही कानपुर से, जहां पर कारोबारी की पत्नी का हत्या का ये पूरा मामला है। डीएम आवास की सिक्योरिटी में चूक कैसे हो गई, ये भारत समाचार के कुछ सवाल हैं। और लाश गड्ढा खोद कर दफनाई गई, किसी को पता कैसे नहीं चला, क्या ये सिर्फ अकेले का काम है? वही देखिए 4 महीने से आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी, तो ये भारत समाचार के सवाल है। ये बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर देखिए कारोबारी की पत्नी की हत्या का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि जिम ट्रेनर ने हत्या की है और किडनैपिंग की बात भी उसने कबूल कर ली है। बताया जा रहा है कि तिलक होने के बाद इन दोनों में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो एकता की हत्या का शव डीएम आवास के पास दफनाया गया था और डीएम आवास के पास जमीन में शव दफनाने की बात उसने कबूल कर ली है और आरोपी जिम ट्रेनर के बयान पर लाश की तलाश जारी है। तो आखिरकार सवाल यही है कि आखिर पुलिस अभी इतने दिन तक क्या कर रही थी, डीएम आवास की सिक्योरिटी में चूक कैसे हो गई, जिसके बताया जा रहा है कि डीएम आवास के पास की जो जमीन है वहां पर शव को दफनाया गया है। तो देखिए अब बताया जा रहा है कि लगातार अब जिम ट्रेनर से पूछताछ कर रही है पुलिस, अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है और पीड़ित की शिकायत पर आखिर इतनी देरी से एक्शन क्यों लिया गया, ये तमाम सवाल भी हैं। तो
तो ये पूरा मामला कानपुर का है, जहां पर देखिए कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता के लापता होने का मामला है। कहा जा रहा है कि जिम ट्रेनर ने हत्या कर शव को जमीन में दफनाया था। वहीं चार महीने बाद जिम ट्रेनर ने बात कबूल कर ली है, जिसके बाद से पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कहा जा रहा है कि उस पर FIR भी दर्ज हो गई है। बात की जाए इस पूरे मामले की, तो 24 जून को जिम करने गई थी और वापस नहीं लौटी थी। एकता की हत्या का शव DM आवास के पास दफनाया गया था और DM आवास के पास जमीन में शव दफनाने की बात जिम ट्रेनर ने देखिए कबूल कर ली है। बताया जा रहा है कि अब उस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर देखिए कानपुर से है, जहां पर चार महीने बाद जिम ट्रेनर ने किडनैपिंग और हत्या की बात कबूली है, जिसके बाद से पुलिस अब इस पूरे मामले की फिर से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो 24 जून को जिम करने गई थी एकता गुप्ता, बताया चला कि वापस नहीं लौटी, जिसके बाद से अब देखिए ये चार महीने बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। जिम ट्रेनर ने हत्या कर DM आवास के पास जमीन में शव को दफना दिया है। उसने ये बात कबूल कर ली है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो DM आवास के पास जमीन में शव दफनाने की बात देखिए उसने कबूली है और अब आरोपी जिम ट्रेनर के बयान पर लाश की तलाश की जा रही है। कानपुर के DM आवास के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अहमद, बताया जा रहा है कि चार महीने बाद बात कबूली है जिम ट्रेनर ने, अब पुलिस लगातार अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जब से ये कानपुर में इस तरीके का मामला आया है तो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हलचल है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एकता गुप्ता की जो हत्या हुई और उस हत्या के बाद जो उनका शव है वो दफना दिया गया और अब उसमें जिम ट्रेनर का नाम आ रहा है और तमाम जो आरोप हैं कहीं ना कहीं अब लगते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी जो लाश है वो नहीं मिली है और उसकी भी पड़ताल चल रही है कि इस मामले में किस तरीके से जो खुलासा हो रहा है। लगभग चार महीने होने को आ रहे हैं, लगातार इसमें जो पुलिस थी वो लगी हुई थी और जिस तरीके से जो सबसे बड़ा जो कानपुर का चर्चित मामला था वो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें बनी हुई थी। अब ऐसे में जल्द ये माना जा रहा है कि इस मामले में जो खुलासा है वो होगा और जिस तरीके से जिम ट्रेनर के ऊपर जो एक इल्ज़ाम आ रहा है और जो किडनैपिंग की बात आ रही है, तमाम जो बातें आ रही हैं सामने, तो इसमें कहीं ना कहीं जो कानपुर में एक ज़रूर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस बात को लेकर चर्चा है कि जब ये हत्या हुई और तमाम जो जिस तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया तो वो किस तरीके से दिया गया, उसकी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है और बहुत ही जल्दी बताया जा रहा है कि इस मामले में खुलासा होगा, क्योंकि चार महीने का वक्त गुजरा है और चार महीने में लगातार जो जिस तरीके से इस बात पर चर्चा होती रही कि आखिर ये घटना घटी तो घटी कैसे और जो इसमें जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो किसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इसमें बहुत जल्दी जो है वो कई चौंकाने वाली चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। नंदी, बिल्कुल अहमद, अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से, देखिए यही बयान सामने आया कि क्या प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से प्रशासन ने कहा कि जब तिलक हो गई जिम ट्रेनर की, उसके बाद से उन दोनों के बीच में विवाद बढ़ता गया और विवाद इतना बड़ा कि आखिरकार उसने हत्या कर दी। बिल्कुल, देखिए जो जांच है वो कई पहलुओं से आगे बढ़ रही है और प्रेम प्रसंग की भी बात जो है वो सामने आ रही है। 24 तारीख का ये मामला बताया जा रहा है, जब वो गई थी वहाँ पर, उनको उनकी हत्या हुई और हत्या के बाद उनकी लाश को वहीं पे आगे दफना दिया गया और कहीं ना कहीं जो एक जिस तरीके से इस मामले में जो घटना घटित हुई है तो उससे कहीं ना कहीं सब चौंके हुए हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना हुई तो हुई कैसे और इसके पीछे आखिर क्या पूरे जो राज हैं। तो जल्दी ही बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस इस मामले को लेकर PC करेगी, बाकायदा मीडिया से मुखातिब होगी और जल्दी जो चौंकाने वाले खुलासे हैं नंदनी वो इसमें होंगे। और जिस तरीके से जो हत्या हुई थी कानपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय रहा कि आखिर जिम ट्रेनर
का इसमें क्या रोल है, किस तरीके से हत्या हुई, किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया और आखिर कैसे शव छुपाया गया, तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सबकी निगाहें बनी हुई है। बहुत जल्दी बता रहे हैं कि इसमें जो खुलासा है वो होगा और जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं, वो निकल कर सामने आएंगे नंदनी। लेकिन अमर, प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जिस जिम में वो रोज जाती थी, आखिरकार प्रशासन 4 महीने बाद वहां पर पहुंचता है और इस पूरे मामले के खुलासे में देखिए किस तरीके से बात सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मामला जो है काफ़ी बड़ा था। पहले किडनैपिंग होती है, फिर हत्या होती है, फिर शव को छुपाया जाता है, तमाम इसमें अपराध जो हैं वो घटित किए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान ज़रूर खड़े होते हैं, क्योंकि 4 महीने से लगातार जिस तरीके से ये चर्चित जो हत्याकांड है कह सकते हैं था, और जिसमें लापरवाही कहीं ना कहीं साफ तौर पर उजागर है कि इतना वक्त आखिर लगा तो लगा कैसे, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे मुहैया थी, जहाँ पर बताया जाता है कि जिम है वहाँ पर CCTV था, तमाम चीज़ें थी। तो जो जांच है कहीं ना कहीं 4 महीने लगातार जो वो लेट हुई और इसको लेकर जिस तरीके से जो उन जो आरोपी हैं वो कैसे बचे रहे और आखिर जो पीड़ित हैं उनको अब तक इंसाफ कैसे नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर ज़रूर ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है। और साथ में जो क्षेत्रीय पुलिस है, जो तमाम आला अधिकारी हैं, हालांकि इसमें काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आई हैं, लेकिन 4 महीने का एक जो लंबा वक्त गुजरा उसमें कहीं ना कहीं इस बात के सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना लंबा वक्त खुलासे को लेकर कैसे लग रहा है। नंदी बिल्कुल अमर, अगर बात की जाए, देखिए भारत समाचार भी तो यही सवाल कर रहा है कि डीएम आवास के पास लाश को दफनाया गया है, आखिरकार ये कैसे हुआ, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। बिल्कुल, देखिए नन्ही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी घटनाओं में और देश की बड़ी घटनाओं में इस तरीके का, इस ऐसी घटनाओं का शुमार किया जा सकता है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखे कि कई बहुचर्चित हत्याकांड हैं और डीएम आवास के पास किसी की हत्या की जाती है और उसको दफना दिया जाता है, तो एक अपने आप में ये एक चौंकाने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्य प्रणाली है, जो शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली है, उस पर ये सवाल है। भारत समाचार पहले भी लगातार इस बात को लेकर आवाज़ अपनी उठाता रहा था और जो पीड़ित हैं उनके पक्ष में लगातार खड़ा रहा था कि इस मामले में जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, जो घटना का खुलासा है वो कहीं ना कहीं खुलासा हो सके। तो लगभग अब कहीं ना कहीं जो खुलासा है वो करीब आ चुका है और बहुत जल्दी बताया जा रहा है कि इस मामले में जो चौंकाने वाले तथ्य हैं वो सामने आएंगे और जो दोषी हैं वो कहीं ना कहीं बच नहीं पाएंगे। नन्नी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।